अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुआज़्ज़ज़ सामाईन नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैरियत आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करेंगे मेराज के बारे में। सवाल नंबर एक, वाक़िया मेराज की तारीख और सन क्या है? जवाब है 27 रजब 11 नबवी में मेराज हुई। सवाल, मेराज जिस्मानी थी या रूहानी? जवाब है जिस्मानी थी। सवाल, शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ क़याम फरमाए थे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ कहाँ ले जाया गया? जवाब है हज़रत उम्मे हानी के मकान में आराम फरमाए थे। पहले मस्जिद हराम में ले जाया गया, वहाँ से बैतुल मक़दस और वहाँ से आसमानों को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया। सवाल, मेराज किस सवारी के ज़रिए हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम काबी में कौन थे? जवाब है बुर्राक के ज़रिए, जो एक बेहश्ती जानवर खच्चर से कुछ छोटा और हिमार से कुछ बड़ा, सफ़ेद रंग, बर्क रफ्तार था। हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम आपके हमराह थे। सवाल, बैतुल मक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ाई और तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा की। सवाल, आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई? जवाब है पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत यहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवे आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। सवाल, मेराज का सबूत कुरान करीम में किस जगह पर है और किस आयत में है? जवाब है सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से क्या तोहफ़ा लेकर आए? जवाब है 5 फ़र्ज़ नमाजों का तोहफ़ा, जो सवाब में 50 नमाजों का दर्जा रखती है। नाज़रीन गिरामी, आज के लिए इतना ही है। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।